अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नाज़रीन, आजकल दुबई के जो 2 माह का वीज़ा है, अबू धाबी का शारजा, इसको लेके मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान भी हो रहे हैं और इसी का फ़ायदा उठा के कुछ जो एजेंट माफिया है वो भी एक्टिव है और वो मासूम लोगों का नुकसान कर रहे हैं, पैसे का भी, टाइम का भी। तो मैं आपको इसकी मुकम्मल डिटेल इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। 2 माह का वीज़ा जो है वो कितने में मिल रहा है और इसके साथ उसका टाइम कितना लग रहा है, दुबई की वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या है और अबू धाबी और शारजा इनकी जो 2 माह की वीज़ा की पॉलिसी है उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है, ये तमाम डिटेल जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि इस चैनल के ऊपर आपको लेटेस्ट जॉब, वीज़ा, इमिग्रेशन और स्टडी अब्रॉड की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। नाज़रीन, सबसे पहले अबू धाबी और शारजा ने ये जारी किया था कि उन्होंने 3 माह का वीज़ा ख़त्म करके 2 माह का वीज़ा जारी किया था। तो अब फ्यू डेज़ बैक दुबई ने भी 3 माह का वीज़ा ख़त्म कर दिया है और 2 माह का जारी करना शुरू कर दिया है। दुबई जो है वो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगता है और जो अबू धाबी और शारजा है उसके लिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट का होना ज़रूरी नहीं है। दुबई की जो अभी वीज़ा इशुंस रेशो जो है वो काफ़ी स्लो है। इवन अबू धाबी और शारजा की भी ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन जो है 2 माह के वीज़ा के अंदर लग रहे हैं। वैसे नॉर्मली तो ये भी है कि अगर आप वीज़ा आज अप्लाई करते हैं तो शायद आपको 2 दिन में, 1 दिन में मिल जाए, 3 दिन में मिल जाए, लेकिन जो एक रूटीन है जो मैक्सिमम जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो 15 से 20 दिन लग रहे हैं। तो एजेंट्स जो हैं वो आपको मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस दे के, मुख्तलिफ़ मसाइल का रेफरेंस दे के वो आपको बताते हैं जी इतने दिन लगेंगे, हम आपको जल्दी ले देंगे, हाँ इतनी देर लगेगी। तो इस तरह की कुछ कन्फ्यूजन करके वो मासूम लोगों से जो है वो उनका नुकसान कर रहे होते हैं और अपना जो है वो डेफिनेटली बेनिफिट कर रहे होते हैं। तो आप लोग अवेयर रहें, आपने जब दुबई का वीज़ा अप्लाई करना है दुबई के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है, जबकि अबू धाबी और शारजा के लिए कोई बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है और टाइम आप अपने जहन में रखें, 15-20 दिन आराम से लगेंगे। अगर उससे पहले आपका वीज़ा आ जाता है तो आपकी गुड लक है, लेकिन नॉर्मली इतना टाइम लग रहा है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने की वजह से आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैनिक होंगे तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी के हाथे चढ़ जाएंगे और आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि अब ऐसा सीज़न आ चुका है दुबई के अंदर, यहाँ पे लोग जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो दुबई, अबू धाबी, शारजा ये आपसे शो मनी भी रिक्वायर्ड करते हैं, तो वो भी डिपेंड करता है किसी से वो चेक कर रहे होते हैं, किसी से नहीं। तो जब आपने एज अ टूरिस्ट जाना है तो कम अज़ कम आप अपना हुलिया इतना अच्छा रखें कि उनको टूरिस्ट ही आप नज़र आएँ, और सेकेंड आपके पास पैसे भी पॉकेट में इतने होने चाहिए कि आप उनको बता सकें कि मैं वाकई टूरिस्ट हूं, चाहे आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपके पास वो एक सर्टन अमाउंट होनी चाहिए ताकि आप इमिग्रेशन को सेटिस्फाई कर सकें। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।